1.5 घंटे पर, ठीक है? ठीक है सर। उसकी वो फाइलें मैं सभी की बना के ना रख देता हूँ, ताकि हर स्टूडेंट जा रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, सबको मैं वो फाइलें भेजता रहूँ, तो आप अपनी जीमेल आईडी उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और ठीक है, अब फंस गया। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि वन स्टेप वाला तो कर दीजिए ना, मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्राफिक्स में जाके सिंटनी वन स्टेप तो कर लिया हमने, डुअल सिंटनी प्लॉट करना है, ठीक हो गया। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने जीन की लिस्ट, जीन की आपने लिस्ट जो है ना, जो इसी जो और है, कॉपी करिए लिस्ट। हेलो जी सर, सर वो शो नहीं हो रहा टीवी टूल आपका, ये देखो नजारा तो नहीं सर, बच्चे सिर्फ ये मीटिंग वाली सर नजर आ रही है, टीवी टूल नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, ये अच्छा जी, आप नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या नजर आ रहा है? हाँ जी सर, ये फोल्डर नजर आ रहे हैं जो आपने खोला हुआ। टीवी टूल नजर आ रहा है? नहीं सर, टीवी टूल नहीं नजर आ रहा। करें फिर ना, क्या आपको दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे ना? ये दोबारा इसको, एक मिनट बच्चे। हेलो जी सर, अच्छा तो शेयर करता हूँ शायद। हाँ यस सर, नहीं सर, अभी सिर्फ ये नजर आ रहा है आपका क्रोम जो आपने ओपन किया हुआ है। अक्दस आपको नजर आ रहा है? जी सर आ रही है मुझे। अच्छा टीवी टूल नजर आ रहा है? हाँ जी सर, अब आपका नजर आ रहा है। चले शुक्र, अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया टीवी टूल, आप नजर आ रहा है? हाँ जी सर, अब आ रहे हैं जी सर। ग्राफिक्स में जाके आप लोगों ने क्या करना है, सिटी में मैंने कह रहा था वन स्टेप वाला, अब आप लोगों ने होगा आपका कंप्यूटर, अगर अक्दस का कंप्यूटर अच्छा है तो अब इसको कह दिया गया ये कर दिया करेगा, कर दिया करेगी। अच्छा अब आप दो सिटी वाला हमने करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या कहा है कि ये जो फाइल है मेरे पास सीटीआर GFM और कोलिनियरिटी, ठीक है, ये मेरी इधर पड़ी है ये वाली यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अच्छा अब ये है, ये कोलिनियरिटी वाली फाइल है, ठीक है, ये फाइल आपने कोलिनियरिटी में ऐड कर देनी है, फिर CTL सबसे ऊपर ऐड कर देनी है, ठीक है, और GFF की फाइल ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। और फिर आप करना है आपने अपने जी आई डी ऐड कर देनी है,
अंदर आप लोग के लगा दिए थे पहले, ठीक हो, और फिर आपने इसको इधर और उसके बाद आप स्टार्ट कर दे, और आपके लिए वो बन गया, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर इशू ये है कि अब हमने देखना है कि हमारे कितने क्रोमोसोम जो है ना वो स्कैफोल्डिंग के जो है, नीचे वाला जो ऊपर वाला रैपिड ऑप्शन का है, नीचे वाला आपका है क्या नाम है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये देखो ना हाइलाइटेड टी और इन अप जीनोम, ठीक है, और ये हाइलाइटेड जीन इन डाउन जीनोम। ये डाउन जीनोम के अंदर उन्होंने कहा कि सिर्फ तीन जीन है और वो सिर्फ क्रोमोसोम के ऊपर है, ये देखो, ठीक है सर। तो इट मीन अगर हम सारे स्कैफोल्ड खत्म भी कर दें तो केवल ऊपर भी कोई स्कैफोल्ड नहीं है, एनसी का मतलब है क्रोमोसोम का ही है ये सारे, ठीक है। मेरी बात की समझ आई सर? जो अभी आपने मुझे फाइल भेजी है उनमें से ही हमने ऐड करनी है यहाँ पे तीनों, एग्जैक्टली। अच्छा अब जो है ना, अब हमने इसके पहले कुछ स्कैफोल्ड रिमूव करेंगे, मैंने स्कैफोल्ड रिमूव कर दी आपको भेजी है, पहली वाली स्कैफोल्ड रिमूव करके दूसरी वाली जो है वो विद स्कैफोल्ड है। मैं शायद किसी और अगर किसी का स्कैफोल्ड के ऊपर कोई जीन हो तो फिर हम उसको उनको रखेंगे, उस स्कैफोल्ड को रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई स्कैफोल्ड नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि स्कैफोल्ड वाली सारी जो स्कैफोल्ड लिखा हुआ है ना सीपीएल फाइल के अंदर वो रिमूव कर देनी है हमने, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ये मैंने पहले भी रिमूव करके दी थी। हाँ जी सर, आपने इधर मुझे चार भेजी है, जो लास्ट वाली है ना, जो वाली उसके अंदर स्कैफोल्ड है। हाँ जी सर, उसके अंदर स्कैफोल्ड है, और सर ये जो सेकंड है इसके अंदर सिर्फ एक दो स्कैफोल्ड है और बाकी सारे क्रोमोसोम पर ही हैं। उसके अंदर स्कैफोल्ड नहीं है, वो आप यूज कर लेंगे। नहीं सर, उसके अंदर दो हैं स्कैफोल्ड। उसको भी रिमूव कर जाए, उसको भी, ठीक है सर, और इसको फिर ये जो आईडी है ना, ये वाला आपका है रैपिड ऑप्शन का जीन आईडी, ये वाला आपका कुकुम्बस सेटिवस का। सर आपका टीबी टूल फिर से नहीं शो हो रहा, नोटपैड प्लस प्लस शो हो रहा बस। अब हाँ जी सर, अब हो रहा सर, अब ये टीवी टूल पे जो ये डुअल सिंटनी वाला हो चुका है ना, जिस पे आप पहले बता रहे थे, अब आप इसको सेव कर लें बाद में, ठीक है, ये इशू खत्म हो गया ना अब आपका। हाँ जी सर, के पहला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये वाली फाइल से हम सेकंड स्टेप से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, इवन यू चेक कर सकते हो, और इसका विड्थ लेंथ ग्राफ हाइट स्पेस अराउंड द ग्राफ लॉट ऑफ थिंग वी कैन मॉडिफाई दैट, ठीक है, ओके सर। तो बाद में इसको सेव कर लेना, ठीक है। और बाद में फिर आपने क्या करना है कि इन, अब मैं ना वो जो दूसरे वाला है ना वो मैं ऐड करता हूँ, जो विदाउट ये सीरियल फाइल जो है ना, ये किधर है, ऊपर आ गया, और इसको स्टार्ट करें। ये देखो, ये देखो, ये वाला बन गया, ठीक हो गया। ये विदाउट वो है, ये ऊपर आपका आ गया कौन सा, चिली वाला,
चिली सच कुकुम्बर साइगस देखिए आपका 5 क्रोमोसोम्स हैं इसके 1, 2, 3, 4, 5 एरेबिडोप्सिस के, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप ना उसके अंदर जाके ना टेंट के अंदर जाके यहां पर जीन हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है सर। यहां और यहां ये आपको जीन हाईलाइट मिल जाएगी कि ये कौन कौन से जीन है जो डुप्लीकेट है एरेबिडोप्सिस के अंदर ये पाई जाती है, ठीक हो गया। और ये एरेबिडोप्सिस के जो जीन है ना वो आपको कैसे मिलेंगे, अब ये है ना ये हो गया क्रोमोसोम आईडी, ये है इसका ये हमने ये एक्चुअली जो मैंने डाटा लिया हुआ है ये वाला ये मुझे लगता हुआ है कि ये मैंने लिया है वहां से एनसीबीआई से एरेबिडोप्सिस का ना, ये देखो ना ईडीएस 16 है ये, समझ आ गई जी सर। आपने लिख देना है कि आपने इस जीन को क्या आपने उसी के मुताबिक ही आपने इधर हाईलाइट कर देना है कि ये वाला इसके साथ है ये वाला इसका इसका भी फंक्शन वो तो आपने ऑर्थो ये फिर यहां तक समझ आ गई अब आपको, यस सर। चलिए इसको करें। अच्छा और जीन एक्सप्रेशन वाला आपने कब कहां तक पहुंचा सर, जीन एक्सप्रेशन वाला मैंने करने की कोशिश की थी लेकिन सर उसमें वो समझ नहीं आ रही वैल्यू उसकी के आपने कहा था 0.05 से अगर ज्यादा होगा तो वो वाला नहीं लग रहा पता कि वो कैसे हमने करना है सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस। आपने अभी तक कौन सा किया है, कोई किया है? सर एक ही किया था जो पहले किया हुआ था उसी को ही उसमें स्टैटिस्टिका में करके देखा। अच्छा जो आपने डाटा डाउनलोड किया है, अच्छा मैं अभी एक नया तरीके से आपको समझाता हूँ, फर्ज किया एक नया वाला, ठीक है। वो एनसीबीआई जियो में आप जाओ ना, मैंने बहुत अच्छा तरीका एक और ढूंढा है, एनसीबीआई जियो में जाओ, यहाँ पर है कुकुम्बर सैटिवस, इसको सर्च करें। फर्ज किया आप ये जो है ना हमारा हाई थ्रूपुट ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस ऑफ वुस्ट वुस्ट इज अ की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लांट प्ले पॉनर एंड स्टेम सेल्स वुस्ट एक्सप्रेशन इन द ऑर्गेनिज्म को हम करते हैं। अच्छा ये आपने कौन कौन सा किया इसमें से, हमने एक ही किया था टेम्परेचर स्ट्रेस वाला, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक हो गया। फर्स्ट गया मैं एक और करता हूँ, फर्स्ट गया ये अंडर आपका कौन सा जीन है आईसीएस ना, अच्छा क्या इस तरह का है कोई स्ट्रेस के अगेंस्ट अंडर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक हो गया। ये हम आपका देखते हैं, अच्छा अब हमने क्या करना है कि वैस्कुलर प्लांट सिस्टम सेक्शन पर लार्ज प्लांट स्ट्रक्चर, अच्छा अब इन्होंने क्या किया कि लीव एयर रूट्स 4 days बिफोर एक्सेल फॉर द वाइल्ड टाइप एंड वर कलेक्टेड फ्रॉम लीफ वेन्स एंड फूड 4 days बिफोर एक्सेस। एक्सेस किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स को, हाँ रिमूवल ऑफ एंथर्स, ठीक हो गया। ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, फ्लावरिंग पीरियड
ऑफ द प्लांट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, जो फ्लावर बड ऊपर होती है ना उसको कहते हैं एंसर्स, ठीक है। अब उन्होंने उससे भी 4 दिन पहले ये डाटा लिया लीफ वेट का और एंड फ्रूट 4 डेज बिफोर एंसर्स। फिर इसको छोड़ा उसको और कोई पॉल्ट्री बिल्डर, ठीक है, ये वाला डाटा ठीक है क्योंकि ये इन्होंने ना स्ट्रेस के अगेंस्ट है, ठीक हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट रेगुलेटर्स ऑफ पॉल्ट्री बिल्डर रेजिस्टेंस इन कोकोपर यूजिंग कंपैरेटिव, इन्होंने क्या किया हुआ है कैंडिडेट जीन आइडेंटिफाई किए हुए हैं पौधे को के ऊपर स्ट्रेस इन्होंने दिया है किसका पाउडरी बिल्ड होगा, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेटर कमेंडिंग BM.1 एंड देयर इफेक्ट ऑन पाउडरी बिल्ड रेजिस्टेंस द अर्ली सीक्वेंसिंग बेस्ड ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ द पाउडरी बिल्ड रेजिस्टेंट सेगमेंट सब्स्टिट्यूट लाइन एंड रिकरेंट पेरेंट वर कंपेयर्ड 40 डेज आफ्टर इनोकुलम विद पैथोजन। इनके पास ना दो लाइन है, एक पाउडरी रेजिस्टेंट है एक, ठीक है, इट्स रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट का मतलब क्या होता है, अक्रिंग ऑफन और रिपीटली और ऑफन अक्रिंग ऑफन रिपीटली। अच्छा आप इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक पाउडरी रेजिस्टेंट जो है ना पाउडरी मिल्डियो रेजिस्टेंट को बस सेटिवस की ना एक लाइन है इनके पास, ठीक है, इन्होंने उसके ऊपर जो है ना पाउडरी मिल्डियो का अटैक कराया और फिर इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, ठीक हो गया। अब ये एक है D8 कंट्रोल, कितने इनके पास सैंपल है, पहले तो ये देखिए कि इनके सैंपल कौन से हैं, SS50801 2 hours 01 2 3 48 hours inoculated D8। अच्छा दो वैराइटीज है ना इनके पास, जो कंट्रोल है ऑफ लीव्स ऑफ, एक ये वैरायटी है एक D8 वैरायटी है विद अनइंफेक्टेड कंट्रोल लीव्स फ्रॉम ईच एंड वन जनरेटर। अब इनके पास दो वैरायटीज है, ठीक है, एक तो रेजिस्टेंट है एक उसका पेरेंट है जिससे उन्होंने बनाई है, ठीक है। अब ये देखना चाह रहे हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो उनके अंदर क्या चेंजेस आई है, ठीक हो गया, समझ आई बच्चे? जी सर। अच्छा अब ये डाटा हम इसका डाउनलोड करते हैं, अच्छा अब ये है डाटा इनका, ठीक है, अब ये कहां से लिया हुआ है, CSA1G कहां का डाटा है, CSA1G ये इसी से ही है, ठीक है, ये आप यही V2 जीनोम का ही है, ठीक है। अच्छा अब मैंने एक नया तरीका निकाला है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको ना जस्ट आपने क्या करना है कि यहां पर ग्राफिक्स बल्कि अंदर में जाना है और टेबल रो मैनिपुलेट में जाना है, ठीक है। जहां जाके आपने ये जो अभी डाउनलोड किया है ना डाटा, ये कौन सा डाटा है इसका था, वो GSEF 234 इधर रह गया,
चलो इस फाइल को ना मैं आपके डाटा के अंदर सेव कर देता हूँ इसको। ये वाला है ना फाइल GSE, इसको सेव करते हैं, सेव एज। किधर है आप लोगों का सर? अंडर ग्रेजुएट वाले में आप करते हैं सेव। सॉरी यूजी, ये? हाँ जी सर यही है। अच्छा यहाँ हम लिखते हैं NCBIGO। यहाँ हमने इसको सेव कर दिया। अब आपने क्या करना है कि NCBIGO में जाना है। अच्छा जी, यहां पर हम आपके फोल्डर में चलते हैं। जस्ट अ सिंगल क्लिक। अब आपको एक एक करके सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले बताया? नहीं सर आपने ये वाला नहीं बताया। ये देखिए, अब यहां जाना आपने और पहला ही कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? और यहां आपने इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, बस उसका पहला वाला ना जो रो के अंदर कॉलम के अंदर पहला वाला उसको सिलेक्ट कर लेना और यहां पर आपने लिख देना कंटेन द हेडर, ये भी ऐड कर देना इसके अंदर। और यहां पर आपने आउटपुट ड्रैग कर देनी है, वो यही फाइल दोबारा आपने ऐड कर देनी है। और यहां पर आपने लिख देना है ये कौन सा डाटा है, फाउंड्री विंडो। ये सर जो आपने ये कॉलम डी जो सेलेक्ट किया है, ये आपने जो फर्स्ट कॉलम था सिर्फ वही सेलेक्ट किया है जो जीन आईडीज वाला था? वो आईडी वाला हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि सिर्फ हमने आईडी एक्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है सर। अब यहां पर आपने अपने आईडी ऐड कर देनी है, ठीक हो गया? वो आईडी जो जाहिर है ये किस जनोम से है वो आपने। अच्छा अब इस कई ऐसे, अब इसमें ना हमने क्या करना है, इसको कॉपी करके आपने जस्ट इधर पेस्ट कर देना। यहां इसके ना डाटा के अंदर मैंने देखा कि 0.1 नहीं है, इसलिए हम अपने 0.1 रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर बिल्कुल इन्होंने 0.1 नहीं लिखा हुआ साथ। हाँ जी सर, इसलिए ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो और एक ही सेकंड में आपका ये डाटा जनरेट हो गया। दैट्स इट। ओके सर, और से हम हीट मैप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे, आपका पहले ये वाला चार ही है आपके? हाँ जी सर चार ही है हमारे, इतने सारे आ गए, ठीक हो गया। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को कंट्रोल ए कॉपी करके इसको एक्सेल में लेके जाएंगे। ठीक है, इधर इसको पेस्ट किया और ये जो चारों हैं इसका हम आईडी का नेम चेंज कर दें। अब ये है इसके आईडी के नेम जो हमने फाइनल किए हुए हैं और इन चारों को हमने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया जी सर। चलिए ठीक हो गया। अच्छा अब ये है कि
अब वन का वन टू, वन का टू, वन का थ्री, फिर टू का वन, अब ये डिफरेंट इन्होंने ना किए हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वही पी वैल्यू और निकालते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी सर। अच्छा अब हमने ये देखना है कि अब हमने किसकी किसके साथ निकाल दिए, पहली तो बात ये, ठीक है। यहाँ पर अब वन का मतलब क्या है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वन किसका है, उसके लिए हमें रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। किधर है वो, ये वाला डाटा है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला है ये वाला, ये है D8 कंट्रोल, इसको हम लिख देंगे D8 अंडरस्कोर कंट्रोल, ठीक हो गया, मेरी समझ आई। इसका मतलब है सर जो हमने वो वाला सारा अभी डेटा हमारे रिजल्ट में आया, हमने वहां से देखते हुए और फिर यहां से देखना है कि जो फर्स्ट वाला है वन ऑफ वन है, वो इसका मतलब है कि D8 कंट्रोल रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली, यू आर राइट, ये आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसको जो वन और वन है ना, इसकी जगह लिख देना D8 कंट्रोल, ये कॉपी करके। सर यहाँ तो लिखा हुआ है D8 कंट्रोल 0R और फिर REP1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0R का जो फर्स्ट सैंपल है ये वो है, और हम जो चेंज कर रहे हैं वो वन ऑफ वन है, मतलब 1R का फर्स्ट सैंपल। ये इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है ना ये सारा, ये जो पहला है DB कंट्रोल 01, ठीक है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन से पहले हमने तीन पौधों को जिसके ऊपर कोई पैथोजन का अटैक नहीं कराया उसका डाटा लिया, फिर इन्फेक्शन से पहले और फिर हमने उस इन्फेक्शन के बाद डाटा 48 घंटे के बाद लिया, बस। नहीं लगी समझ? नहीं सर, मेरा मतलब है कि अब देखिए ना आपने यहाँ पे चेंज करे वन ऑफ वन है, फिर सी कॉलम में लिखा हुआ है वन ऑफ थ्री, इससे पहले होगा वन ऑफ थ्री, ये तीनों वन जो है ना ये है तीनों। अच्छा मतलब यहाँ पे जो वन है वो यहाँ का जीरो कंट्रोल आर जो है सैंपल, हाँ, ये तीनों है, अगला जो टू है वो अगले तीन है, जो अगला थ्री है, अगला थ्री होगा वो अगले तीन है, अगला जो फोर होगा वो अगले तीन है, ठीक है सर। मेरी बात की समझ आई है? जी सर, यहाँ पे वन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जीरो से, जो हमारा NCVIGO वाला डाटा हो गया। अब ये कंट्रोल है, अच्छा अब ये भी कंट्रोल है, अगला भी FPKM चाहे रहने दो, इसको बस हम चाहे ये भी हम इस सारे को भी कंट्रोल, बल्कि इस पूरे को लिख देते हैं इधर, ये सारा हम इसको दूसरे को हम दूसरे में लिख देते हैं, और तीसरे में हम तीसरे को लिख देते हैं, ठीक हो गया। ठीक है सर, बच्चे समझ आई? जी सर, लेकिन सर ये जो दो कंट्रोल्स हैं इनका क्या मकसद है, मतलब जो फर्स्ट वाला तो D8 कंट्रोल है और जो ये नीचे है SSLF508_20। हेलो, दो वैरायटीयां हैं, दो वैरायटीयां हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर बिफोर इनोकुलेशन और 28 आवर्स आफ्टर इनोकुलेशन डाटा दिया उन्होंने। ओके सर, जो पाउटी मिल्डियो डिजीज है उसको इनोकुलेट करने से पहले और इनोकुलेट करने के 48 घंटे के बाद, दो वैरायटीज है, एक डी वैरायटी D8 एक वैरायटी है, एक SSL508, दो वैरायटीज है, ठीक है, और उनके तीन तीन पौधे हैं।
नहीं लगी समझ? आगे सर अब ठीक है जी सर। अच्छा आप ना फिलहाल इसको अब ये जो है ना पहला और दूसरा, अब हमने ना इसका इसका एक डाटा जनरेट करना है। अच्छा वो कैसे जनरेट करना है? अब हमारे पास जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स फैक्टर्स क्या है कि हमारे पास दो वैराइटीज है। वैराइटीज कितनी है? दो। अच्छा वो वैराइटीज है हमारे पास वन और वैराइटीज है हमारे पास टू, और पैथोजन है पैथोजन कितने हैं? वो एक ही है। एक ही है ठीक है। अच्छा लेकिन पैथोजन का हमने डेटा कितनी देर बाद लिया है? 48 आवर्स। दो बार एक टू में एक कंडीशन कितनी है? दो बार। कंडीशन क्या है? डेटा कितनी बार लिया है? दो बार सर। दो बार ठीक हो गया। अच्छा और मींस दैट हमारे पास फिर हर कि रेप्लिकेट कितने हैं? तीन। थ्री है ना रेप्लिकेट? जी सर। अच्छा टू को टू से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज फोर, और फोर को मल्टीप्लाई करें थ्री से, कितने हो गए? 12। अच्छा अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 12 लिखना है, वन इज इक्वल टू, उसमें भी हमने क्या करना है, दिस वन प्लस वन। अब हमने इसको ले जाना है अब 12 पर। यहाँ तक समझ रही? जी सर। अच्छा उसके बाद वैराइटीज है, ये हम तो एक्चुअली यहाँ पर लिखना था, चलो इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये हम लिख देते। अच्छा अब हमने क्या करना है कि वैरायटी कितनी है? दो। अब हमने 12 को दो पे डिवाइड करें, कितना हो गए? 6। अब हमने ना वन 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 ठीक है, फिर टू टू दूसरी वैरायटी आ गई, ठीक हो गया। अच्छा ये कहानी समझ आई ना आपकी? दोनों वैरायटी के छह छह पौधे हैं। हाँ जी सर। अच्छा फिर दोनों के अंदर तीन कंट्रोल है, तीन हमारे पास जो इफेक्टेड है। अब हमने वन टू थ्री, थ्री हमारे कंट्रोल हो गए, और फिर फिर हमारे पास जो कंडीशंस हैं, सॉरी कंडीशन है दो, वन 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 तीन कंट्रोल, टू टू टू, ये हो गया हमारे इसको इन्फेक्टेड है, ठीक हो गया जी सर। इसको कॉपी किया और सेम यही कंडीशन हमारी है दूसरे पे। अब रेप्लिकेट कितने हैं? वन टू थ्री, अब हमारे के तीन तीन रेप्लिकेट है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब हमने क्या करना है कि ये जो सारा डाटा है ना ये वाला, इस सारे को कॉपी करना है, हमने काउंट नहीं लेने, सिर्फ एफपीकेएम वैल्यू लेनी है, सारे नहीं लेने, काउंट हमने खत्म कर देने हैं, सिर्फ एफपीकेएम वैल्यू जो है वो कॉपी करके हमने इधर जाके इसको स्पेशल पेस्ट पे ऐसे पेस्ट कर देना है, समझ आई? हाँ जी सर। अच्छा अब हमने क्या करना है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि अब हमने क्या, सॉरी ये ना इसको कंट्रोल सी है, यहां करना है पेस्ट, क्योंकि ये ऊपर
ये है इसका वैरायटी, सॉरी ये उसका। अच्छा यहाँ पर हमारी हैं वैरायटीज, वो इसलिए लिखी थी ताकि आपको समझ आ जाए। और हमारा पैथोजन या इन्फेक्शन पैथोजन हो गया एप्लीकेशन, पैथोजन पैथोजन की एप्लीकेशन कितनी है, बहुत प्रोटोकॉल है, एक होती है, और यहाँ पर आगे ट्रीटमेंट, फिर एप्लीकेट, यहाँ पर क्या है रेप्लीकेट, ठीक है। अब आप ये सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तो सारे का सारा डाटा हमारा खुद ही कैलकुलेट कर देगा। स्टैटिस्टिका 5.1 है आपके पास? हाँ जी सर है। स्टैटिस्टिक्स 8.1 पर हम इसको लेके जाएंगे, यहाँ इसको पेस्ट करेंगे, और ये है हम स्टैटिस्टिक्स में जाके, ये कौन सा नोवा है, फैक्टोरियल है, टू फैक्टर्स हैं इसके अंदर, एक वैराइटीज है एक पैथोजेंस है या टाइम है, इसको दो फैक्टर्स हैं इसके अंदर। हम इसको क्या करेंगे, लीनियर मॉडल में जाके फैक्टर्स में जाएंगे, फैक्टोरियल डिजाइन में जाएंगे। अच्छा अब जब हमारे पास डिपेंडेबल वेक्टर ये हैं, ये जो जीन है ये सारे डिपेंड कर रहे हैं पैथोजन के ऊपर, ठीक हो गया। और जो हमारे ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, ट्रीटमेंट हमारी कौन से फैक्टर्स हैं और पैथोजेंस हैं, ऐसे ही है ना, और रेप्लिकेट फैक्टर्स नहीं, सॉरी फैक्टर्स तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स नहीं आना सर, फैक्टर तो अभी आना ही नहीं है, हमारे पास पैथोजेंस हैं और वैराइटीज हैं जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक हो गया। और रेप्लिकेशन कौन सा है, ये रेप्लिकेट, इसको नहीं हमने फैक्टर्स को नहीं छेड़ना, यहाँ तक समझ आ गई, और इसका टू वे इंटरेक्शन हमने कर देना, ठीक है, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं इसके, इसको ओके कर दिया। अब आप देखें कि जिसका फर्ज के जो पहले वाला जीन है ना आपका, ये वाला, इसका जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इवन विद इन रेप्लिकेशन भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अगर 0.05 से ज्यादा इसका है पैथोजन का टैग है, जीन एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर, पी की वैल्यू क्या आ रही है 0.001, ठीक है, इट मींस दैट जो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कम या ज्यादा है, ठीक हो गया जी सर। और इसके अंदर दूसरे के अंदर क्या है, 0.05 से ज्यादा है जब हम पैथोजन और वैरायटी का इंटरेक्शन करवाते हैं, उस टाइम तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वैरायटीज के अंदर इश्यू है, पैथोजन के अंदर भी पी की वैल्यू 0.05 से कम है, ठीक है। अब आपने ये सारा डाटा चारों का, इसका मीन इसने खुद ही निकाल देना है। अब आप इसका मीन जो निकालेंगे, मल्टीपल कंपैरिजन में जाएंगे, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन टूकीज या एलएसटी को निकाल लें, ठीक है, और इन सब का ही आप रेप्लिकेट की बजाय पैथोजन और वैराइटीज और पैथोजन वैराइटीज। अब ये देखें कि जो पैथोजन पैथोजन दो तो है ही, सॉरी पैथोजन, अच्छा जो कंडीशन टू है उसके अंदर जो है ना पैथोजन का, इनमीन अगर हम पैथोजन का अटैक कराए ना तो ये इस जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाता है, ये ऐसा ही होता है। अभी कंट्रोल के अंदर इसका एक्सप्रेशन कम है,
लेकर यू ही और पैसेंजर का अटैक करवा रहे हैं तो इस चीज का एक्सप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। सिटी टर्मिनी विद CSA, अगर तो डिफरेंट वराइटीज है ना उसके अंदर भी ऐसा ही है कि एक वराइटी के अंदर इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है और एज कम्पेयर टू अदर वराइटीज, वराइटी नंबर दो के अंदर इसका जीन का एक्सप्रेशन कम आया है जबकि वराइटी नंबर दो के अंदर ज्यादा आया है और वन के अंदर कम है, कम है। समझ आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा सिमिलरली आगे आ जाओ कि जो अगर हम पैथोजन और वैरायटी का देखेंगे किस पैथोजन और वैरायटी के अंदर ज्यादा डिजीज आई है तो आप देखेंगे जो आपका पैथोजन नंबर दो एक भी पैथोजन का अटैक करवाए और वैरायटी नंबर दो के ऊपर ये जो जीन है ना ए एस ए वन इसका एक्सप्रेशन ज्यादा आया है पैथोजन का मतलब है कि जिस दो का मतलब है पैथोजन का मतलब कंट्रोल है, दो का मतलब क्या है पैथोजन, एक का नंबर है कंट्रोल। इट मींस ये सिर्फ जब हम पैथोजन का अटैक रहा है दोनों कंडीशन में इसका जीन का एक्सप्रेशन हाई हुआ है लेकिन कंट्रोल में कम है। ये कहानी समझ आई? यस सर। सर वो फिर हम सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम किसके हवाले से कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे जो ये ए बी ग्रुप्स हैं इनमें या फिर इन जो पहले हमने किया है उसमें जिसमें पी वैल्यू साथ आ रही है। अच्छा अब ना मैं एक मिनट वो भी देखता हूँ क्या क्या करना है हमें उसका ना। अब ये तो चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी? हाँ जी सर, ये तो समझ आ गया कि ये वाली जो वन और टू वैल्यूज हैं और जो मीन वैल्यूज हैं ये क्या एक्सप्रेस कर रही है। पापा जो पापा जीन है उसका कोई इफेक्ट नहीं है पैथोजन का, जब अटैक होता है तो इसका एक्सप्रेशन कम हो जाता है। हाँ जी सर, ठीक हो गया। अच्छा अब सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट वाला काम जो है वो तो इससे पीछे भी है ना। अच्छा अब मैं ना एक और तरीका देखते हैं इसका कैसे निकालना है। एक तो ये तरीका समझ आ गई ना आपको सर इसमें, लेकिन इसमें समझ नहीं आई कि हमने वो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, मीन से करने हैं या फिर इंडिविजुअल जो आ रहे थे उससे करने हैं। अच्छा अब उसके लिए ना ये इसके अंदर ये जो हमारा है ये डेंसेस इसके अंदर ऑलरेडी ये किया हुआ है इन्होंने ना, ये देखे ना ये वाला डाटा है ना, इसको पीछे नहीं जा सकता है ना, इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखे ना स्टैटिस्टिकल है इसमें लीनियर मॉडल में जाए और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, फैक्टोरियल डिजाइन है और इसको ओके कर दें। अच्छा अब ये देखें यहां पर पी की वैल्यू 0.05 से कम है, इट मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नहीं लगी समझ सर? ये जो हमने ये फर्स्ट वाला था रेप्लिकेट जिसमें ये लिखा हुआ है फर्स्ट 0.0012, अब हम फर्स्ट में कहेंगे कि इसकी वैल्यू जब पैथोजन का अटैक करवाते हैं तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है सर, और फिर इसमें हम पी की वैल्यू लिख देंगे 0.0012। नहीं हमने सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट लिख दिया, ठीक है सर, वैल्यू और वैरायटीज के दो वैरायटीज हैं उनके अंदर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि एक वैरायटी के अंदर जीन एक्सप्रेशन कम हो रहा है एक वैरायटी के अंदर जीन एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है। ये समझ आई आपको? हाँ जी सर, ये कहानी समझ आ रही है आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम पैथोजन और वैरायटी का आपस में कंपैरिजन करें, अच्छा तो फिर क्या है कि तब भी सिग्निफिकेंस ही है। और सिमिलरली अगर आप ए एस ए टू का देखें उसमें जो पैथोजन और वैराइटीज का इतना वो नहीं है, लेकिन तो आप छोड़ें इसको पैथोजन और वैराइटी के इंटरेक्शन को छोड़ें, बस ये पहला और दूसरा देखते हैं इसमें, ठीक हो गया।
हाँ जी सर, क्योंकि सर अगर आप बस पहले को, जिस तरह हमने पहले वाले में देखा है, इन दोनों को देखेंगे फर्स्ट टू को, तो फिर हम इजीली बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। ओके ऐसा ही। अब ये देखें अगला जो CS ICS 1 है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन इज नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ठीक हो गया। हाँ जी सर, पापा का है, पापा का जो है वो पैथोजन के अंदर है, वैराइटीज के अंदर नहीं है। अब ये डाटा है आपका, ठीक हो गया। ठीक है सर, एक तो ये हो गया। अब हम पुराना तरीका जो उससे मैंने आपको बताया था उससे भी करने की कोशिश करते हैं। अब आपने इसको लिखना है सर, वो लिखने के लिए आपको ना ये एनालिसिस करने पड़ते हैं। फर्ज किया अब हमने ये जो पहले तीन है ना 1 2 3, इसके साथ हमने कर दिया इस जो क्या है थर्ड इंटायर कॉलम, ठीक हो गया, इसका हो गया क्लीन। और फिर हर क्लीन के बाद आपने क्या कर दिया इंटायर कॉलम, ठीक हो गया, इसका हो गया मीन, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया हर तीन के बाद, फिर ये आया, इसका भी आपने कर दिया इंटायर कॉलम और इसको मीन। फिर इसके बाद भी हमने इसको किया इंटायर कॉलम और मीन और बाकी सारे कॉलम आपने कर दिया डिलीट। समझ आई? इसका हमने आपने एवरेज लेना तीनों का। अब हमने तीनों का एवरेज कैसे लेना, ए बी ई आर एवरेज लेके, और ये तीनों का हमने ले लिया एवरेज और फिर हमने इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक, ठीक हो गया। समझ आई यहां की? हाँ जी सर, आगे सिमिलरली हमने यहां पर एवरेज लिया, आपने इस तीनों का एवरेज लेके और इसको कर दिया, ठीक हो गया। अब ये जो कॉलम है ना, फिर इसीलिए आपने इसका भी ले लिया एवरेज, आपने इस तीनों का लिया और फिर आपने इसको ट्रैक कर दिया और फिर आपने इधर लिया इज इक्वल टू एवरेज यहां से लेकर यहां तक कर दिया, ठीक हो गया। और यहां आपने इसको नीचे तक कर दिया। अब हमने क्या करना है कि यहां एक और इंसर्ट कॉलम करें दो कॉलम के बाद, ताकि आप यहां पर हम क्या अच्छा अब हमने क्या करना है बच्चे, ये जो मीन वैल्यू है ना सबकी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम, ये कॉपी किया, बल्कि एक और कॉलम भी है पहले वाला कॉलम, ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको आपने एक नई शीट पे ले गया, ठीक हो गया। और नीचे वाला सारा हमने ये जो भी चीजें हैं ये इसकी डिलीट कर। अब ये क्या है, पहला किसका मीन है? सो कंट्रोल का, ठीक, कंट्रोल है लेकिन db8_control_0r, ये तीनों लिख देते हैं, ठीक हो गया, आपने इधर लिख दिया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है ये तीसरा क्या है ये वाला, और चौथा क्या है Thank you.
ठीक हो गया। अब आपने इन सारे का कत्थई का हीट मैप बनाना है, ये कॉपी किया आपने, इसका हीट मैप बनाना है, ठीक हो गया जी सर। ठीक हो गया। अब हम इसका जब हीट मैप बनाएंगे ना, ये हीट मैप बन गया, ठीक हो गया। और अब आप इसको शो कंट्रोल पैनल, आपने ना इसको एक तो है ना लॉग स्केल होता है, ये आपको पता है लॉग कैसे करते हैं, लॉग स्केल इस तरह मैंने कल बताया, उस दिन आपको बताया था कि आप इसका लॉग स्केल कर लें, ये है ना इसका लॉग स्केल कैसे करेंगे, फर्ज किया लॉग। अच्छा अब हमने इंसर्ट एंटायर कॉलम, यहां पर हम इसका लॉग स्केल करते हैं, ठीक हो गया। लॉग क्या होगा, इज इक्वल टू लॉग, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर डिवाइडेड बाय कंट्रोल, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अगर तो वैल्यू आती है पॉजिटिव, इट मीन ये दोनों जो है क्या है जी बच्चे, कि इसका एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंटली हाई हुआ है, बाकी तीनों का दोनों का लो लो हुआ है और इसका भी हाई हुआ है, ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने इधर भी करना है, इक्वल टू लॉग, और पहला जो है हमारा अनकुलेटेड डिवाइडेड बाई कंट्रोल ब्रैकेट बंद। अब इसका मतलब क्या है कि जो सिग्निफिकेंटली पहले वाले का जीन एक्सप्रेशन हाई हुआ है, बाकी दोनों का लो हुआ है, लो हुआ, लास्ट वाले का हाई है, फिर से एएसए वालों का जीन एक्सप्रेशन हाई हुआ है एज कंपेयर टू आईसीएस वन और वो दूसरे, ठीक हो गया जी सर। अब यहां तक समझ आई? हाँ जी सर। अच्छा सर अगर हम ये वाला मेथड करेंगे तो फिर हमें वो स्टैटिस्टिकल टूल की जरूरत नहीं है, के है? मैं अभी बताता हूँ, अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये तो आप आपके लिए ना नॉलेज देने के लिए, जब आप वर्डिंग लिखेंगे ना, आपने जो आपका मेन टेबल है जो फिगर है वो आपने वो हीट मैप वाली ही ऐड कर दी है, ये वाली, ठीक है जी सर। ये जो बाकी रहता है ना ये आपने सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर देना है, क्या देना है, सप्लीमेंट्री फाइल, ठीक हो गया, समझ आई। अब ये आया आपका, अब अच्छा अब इधर भी हम इसको लॉग स्केल कर सकते हैं, ये देखिए इधर लिखा हुआ है लॉग स्केल, ये लॉग कर दिया इसने, समझ आई यस सर। अच्छा और अब ये कह रहे हैं कि रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे, मैं इसको रो वाइज करने लगा हूं, जब कॉलम वाइज करने रो वाइज करें तो ये कर देता है कि अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जितना रेड है उतना एक्सप्रेशन जो है यो जितना रेड है उतना हाई एक्सप्रेशन, जितना ब्लू है उतना नेगेटिव पे एक्सप्रेशन, नहीं लगी समझ। और इसको फिर आप क्लस्टर रॉ भी कर दें, इवन आप इसको क्लस्टर कॉलम भी कर सकते हैं, दोनों कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है। हेलो, हाँ जी सर, जी सर। अच्छा अब आपने इसको एक और काम भी कर सकते हैं कि एक एक और तरीका भी होता है कि इसको ना आप स्केल साइज बाय एरिया, अच्छा ये भी कर सकते हैं, सॉरी इसको स्विच रो एंड कॉलम, इसमें एक और चीज होती है, सर्कल
और रो स्केल बाय स्केल साइज बाय एरिया। अब ये देखिए, अब इसके मुताबिक क्या है, जितना नेगेटिव है वो ब्लू है। नहीं लगी समझ? सो ये तो उस पे रोटेशन पे कि हम कौन से ऑन करते हैं। नहीं, ये देखिए ना, अब इसका मतलब है कि अगर तो ब्लू है इतनी वो नेगेटिव में है, जितना रेड है वो ज्यादा एक्सप्रेशन है। नहीं लगी समझ? सर आ गई है समझ। आ गई है जी सर। इसका मतलब ये है कि ये जो रेड में है ये हाईएस्ट, इसका ज्यादा एक्सप्रेशन है। इट मींस ये जो जीन्स है ना CSICS1 और ये दोनों जीन जो है इसका एक्सप्रेशन ये कंट्रोल में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यू ही हम इसको इस वैरायटी इसको जो है ना इसका एक्सप्रेशन जो है ये इनोकुलेटेड, ये कौन सा है, ये बता रहे हैं ना, ये आपने लंबा कर दिया इसका, इसको पीएम कर देते हैं, सॉरी बाउंड्री वीडियो, इसको हम क्या कर देते हैं, अब इस पे कंट्रोल इनोकुलेटेड पाउंड्री वीडियो पीएम कर देते हैं इसको, पाउंड्री इनोकुलेटेड अंडरस्कोर पीएम। ठीक हो गया बच्चे, समझ आई है? यस सर जी सर। और इधर भी हम ऐसे ही कर देते हैं, प्रॉब्लम है ये जो अनाकुलेटर जो है मेरे पास नहीं है, पीएम या अकेला ही पीएम कर देते हैं, अनाकुलेटर की बजाय हम पीएम कर देते हैं। ठीक हो गया, पीएम का मतलब वही हो गया ना, कंट्रोल एंड पीएम अनाकुलेटर। जब पीएम आई बाउंड्री मिलती हूँ इनोकुलेटर। ठीक हो गया, समझ आई बच्चे? जी सर। बाउंड्री मिलती हूँ इनोकुलेटर। अब हमने क्या करना है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसको हमने कॉपी किया। अब हमने इसको दोबारा लेके गए यहाँ पर, यहाँ पेस्ट किया, स्टार्ट किया। आपको पता है कि रिसर्च ऐसे नहीं हो जाती, यू हैव टू बी एनालाइज द डाटा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। अभी हम समझ जाते हैं कि बस सारा डाटा बस आपको पब्लिश कर देना, एक्चुअली उसमें से डाटे में से कोई चीज निकालनी, यही है असल। मुझे लॉन्ग लिस्ट भी आ गया, सॉरी एक चीज और आ गई इसमें, लॉक कैसे आ गया? अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। इसको कॉपी किया, पहले तो इसको नई शीट पे ले जाते हैं और फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं नीचे से। अब हम यहां से इसको कॉपी करते हैं और असल में पहली बार आप कर रहे हो, इसलिए अकेले आप कर नहीं सकते, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों के पीछे पड़ा रहता हूँ। एक बार हो जाए फिर आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आ रहा है आप इसको स्केल बाय साइज कर देते हैं और इधर हम कर देते हैं
सर्कल। आप समझ आई? यस सर। आपको डेटा और तो नहीं है? सर वो नेगेटिव में वैल्यूज क्यों नहीं आ रही? ये क्यों नहीं आ रही? नो स्केल इधर किया था हमने। ये लगा चला है ना? That seems to be both, है ना? जी सर। अच्छा अब ये डाटा हमारा पास आया है तो अब आपने इसको ऐसे प्रेजेंट करना है या जैसे भी आप लोगों ने करना है। अच्छा अब आपको ये समझ आ जाएगी दिस इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आर इंक्रीज कौन सा जीन कब एक्सप्रेस हो रहा है दैट्स व्हाट यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट है ना? यस सर। काफी हद तक आप लोगों को समझ आ जाएगी कि चीजें कैसे ये क्या हो गया जो है वो इसको हम फ्री कर दें इसको सर्कल जो है हम इसको अब हमने क्या किया इसको लकी कलर ढूंढा इसका ठीक हो गया या सारा तो ठीक हो गया ये हो गया ठीक हो गया समझ आई बच्चों? हाँ जी सर। अब इसको हमने सेव कर लेना इस ग्राफ को जेपीईजी में पीएनजी में पीडीएफ में अच्छा अब एक तो वो तरीका हो गया अब मैं दोबारा एक्सेल वाली फाइल में जाता हूँ ये चीजें मुश्किल नहीं जब एक बार आपको ग्रैब हो जाए ना फिर इशू कोई नहीं होता। अच्छा अब इसकी पी की वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं इसी डेटा से ये तो लॉग स्केल हो गया ना यहां से भी पता चल रहा है कि लॉग स्केल है ठीक हो गया ये भी लॉग है ना अब हम यहां पी की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं यहां हम एक और ये दो के बाद आएगी पी की वैल्यू पी वैल्यू ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे इज इक्वल टू पी एस इसको क्लिक किया टी टेस्ट करके पहले कंट्रोल वाला कोई भी कर सकते हैं इसमें उसके बाद दूसरा एरे फिर आपने क्या करना है टू टेल और फिर आपने फिर टू कर देना है
और फिर आपने इसको वर्क के बंद कर देना, सॉरी बंद कर देना। अच्छा, और उसके बाद आपने इसको बंद करके और इसको अब इसमें पी की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली। अब आपने कह देना कि इन सब के अंदर जो पी की वैल्यू जो है वो दे आर सिग्निफिकेंटली, इसका जीन सब का एक्सप्रेशन जो है इन डी एट वराइटीज, ठीक है, जो डी की जो एट वराइटी है उसके अंदर कंट्रोल की नस्बत आप जो डाटा है ना जिसके ऊपर इनाकुलम दिया है उसके पी की वैल्यू किसके अंदर सिग्निफिकेंट है, पहले के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है, तीसरे के अंदर नहीं है, चौथे के अंदर है, पहले और चौथे के अंदर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। मेरी बात की समझ आई? यस सर, जी सर। और पहले और फिर आपने देखना कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा, ये देखे पहले के और चौथे के अंदर सिग्निफिकेंटली द जीन इज एक्सप्रेस्ड हाई, जीन एक्सप्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाई इन केस ऑफ एएसए1 एंड एएसए2, व्हाइल इन आईसीएस1 एंड पेपा1 द जीन एक्सप्रेशन इज सिग्निफिकेंटली लो। सिग्निफिकेंटली नहीं कहेंगे, इज द जीन एक्सप्रेशन इज लो। अब सिग्निफिकेंटली क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज पी वैल्यू इज नॉट 0.05 से कम नहीं है। ये समझ आई बेटे? यस सर, समझ आई। यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्निफिकेंट, ये डाटा हमने ऐसे वो जो है नॉन सिग्निफिकेंट और ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, बाकी समझ आई है। ऐसे ही आपने आगे वाले का क्रिएट कर लेना, तो इस तरह हमारे पास ये डाटा आ जाएगा, फिर चाहे वो अनोवा शोवा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अनोवे के मुताबिक भी अगर आपने कुछ चीजें ग्रैब कर ली है तो इससे भी आपको समझ आ रही है कि किससे क्या चीजें हो रही है। यहाँ भी आपको आप इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि पैथोजन है और वैराइटीज है, लेकिन सिग्निफिकेंटली डाटा इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, तो ये वही चीजें इधर की हुई है, सेम वही एनालिसिस इधर है, सेम वही एनालिसिस आपने एक्सेल में किए हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है, शुक्र है। अब ये ना जो मैं एक्सेल की फाइल है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, ये जो हमने जो भी एनालिसिस किए हैं इसके अंदर, ठीक है सर। और ये पहला जो काम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये फाइल को सेव एज। अब बाकी डाटे आपने ऐसे ही वो करने हैं एनसीपीआई जीओ के, आप बाकी करके फिर मुझे भेजिएगा तो और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया, लेकिन लिखेगा जरूर, इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों को उसका ना रिस्पॉन्स अच्छा दिया करें। ठीक है सर, हम ये वाला भी कर लेंगे। ये है बाल्डी, चले जी, फिर सारा डाटा अभी तक जो मैं जो जो पहले ये बनाया था ना ये कॉलम, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ जिसके अंदर ये वाला जो नहीं ये थी ये वाला, ठीक है। और बाकी सारी जो चीज है ना उनके मैं बना के आपको भेज देता हूँ, वो जो है ना क्या इसलिए सबके लिए एक ही फाइल चल जाएगी वो।
बल्कि इसको तो ऊपर रख देते हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज़, ये मैं वीडियो भी आपको शेयर कर देता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।